नमस्कार, मैं आशीष अवस्थी आज आपको ऑपरेटर्स के बाद जो उनकी तमाम तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, हमने सी में पढ़ा 5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इस वाले सीरीज में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानने से पहले हमें समझ लीजिए होते क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी भी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हम देखें तो हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये सारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो ये सब अगर देखना चाहे तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो आपका प्लस का है, आपके पास माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है और मॉडुलस है। जैसे कि हमने यहां पे बता रखा है, मान लीजिए एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। इन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, एक की 50 है, एक की 10 है। मान लीजिए हम ए प्लस बी यहां पर लिखते हैं तो इसका मतलब है जो वैल्यू ए में होल्ड कर रही है जो कि 50 है और जो वैल्यू बी में होल्ड कर रही है जो 10 है, इनको आपस में हमको कौन सा ऑपरेशन करना है, हमको इनका एडिशन करना है, इनका सम करना है। इस प्लस का स्पेशल मीनिंग है कि हमको इसका सम करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 60 आएगा। अब यही पे अगर मान लीजिए हम माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो माइनस ऑपरेटर का मतलब होता है कि हम यहां पर दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, यानी 50 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 40 आएगा। ठीक इसी तरह से अगला जो हमारे पास ऑपरेटर है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब हमें दोनों को गुणा करना है, तो अगर 50 मल्टीप्लीकेशन बाई 10 करेंगे तो 500 आएगा, दैट इज सिंपल। अगर अगली चीज करें तो बेसिक ऑपरेशन हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं डिवाइड। डिवाइड का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को, अगर इसको इस ऑपरेशन को अगर हम लिखना चाहें तो इस ऑपरेशन को ऐसे लिखेंगे, 50 अगर 50 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव यू 5 हियर एंड रिमाइंडर विल बी नल, विच मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन एंड द आउटकम ऑफ स्लैश इज क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है मॉडुलो। मॉडुलो का मतलब हुआ रिमाइंडर। जैसे यहां पे रिमाइंडर आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, जीरो है। इस वजह से अगर इस ऑपरेटर को आप यूज करोगे और ए परसेंट बी करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके अलावा यूनरी प्लस होता है और यूनरी माइनस होता है। यूनरी प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंट करना और यूनरी माइनस का मतलब एक डिक्रीमेंट करना। जैसे यहां ए प्लस प्लस किया है तो ए की बेसिक वैल्यू पहले 50 थी, 50 में अगर एक प्लस करेंगे तो ये हमारा 51 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम ए माइनस माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 49 हो जाएगी। तो ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू हमने परफॉर्म किए। आगे के ऑपरेशंस के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।